आपने यूपी की वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाते नजर आए। लेकिन बरेली में यूपी पुलिस इन कांवड़ियों पर जमकर लाठियां भी बरसा रही है। बकौल यूपी पुलिस, खास इलाके में हुड़दंग मचाते और माहौल खराब करते कांवड़ियों को पुलिस ने पहले प्यार से समझाया, उसके बाद अपनी लाठियों से भी। दरअसल बरेली में डीजे और रास्ते को लेकर पुलिस और कांवड़ियों में विवाद हो गया। आरोप है कि कांवड़िये बिना परमिशन संवेदनशील इलाके से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई। पहले बातों से समझाने की कोशिश हुई, यही नहीं कुछ अन्य लोगों ने भी धार्मिक भीड़ को समझाया। क्योंकि कई चीजें ऐसी थी, घंटू पर सब लोगों से बात हुई, जिन जिन लोगों ने बात सुनी, जिनकी समझ में आई उनका धन्यवाद, जिनने बात नहीं सुनी उनका अपना मन, क्योंकि उन लोगों ने अपने होटल के आगे बात सुनी नहीं, ना कोई पार्क की बात समझनी चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रशासन ने भी सब बातें हमसे करी, सारे जो बारे में बातें हमसे करी, सब चीजें तय हो गई हमारी। अभी ये तय हुआ है कि आपकी गाड़ी प्रशासन बाहर निकालेगा, यहाँ पे संगठन के दो चार लोग गाड़ी के साथ जाएंगे, पीछे से अपना होम मिनिस्टर जो भी चुपचाप आप लोग निकल जाएंगे। अभी की व्यवस्था ये है, इस बात पे जिनकी सहमति हो। इसके बाद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठी उठा ली। थोड़ी देर में लोग भाग खड़े हुए। पुलिस की माने तो कुछ लोग कट्टे का इस्तेमाल भी करना चाहते थे। और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्या आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे लोग नहीं माने, उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के CCTV फुटेज और वीडियोज हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी एक दो लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। फिलहाल मुहर्रम के मौके पर पूरे प्रदेश से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो सौहार्द के हिसाब से सही नहीं है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।